हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। हमारा जो आज का टॉपिक है वो नीट और पीजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है डेवलपमेंट ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नाशय। तो आज जो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है अग्नाशय के डेवलपमेंट में। जैसा कि हमें पता है, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है वो डेवलप्ड होता है इंडोडर्म से। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का हिंदी क्या होता है? मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र का डेवलपमेंट होता है इंडोडर्म से। तो इंडोडर्म कैसे फॉर्म करता है हमारा जीआई के डेरिवेटिव्स को? तो ये सबसे पहले क्या करता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और मेनली इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ही क्या होता है, हमारा जीआई सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, फॉरगत, मीदगत और हीनगत। फॉरगत, मीदगत और हीनगत, मेनली इन्हीं तीनों से क्या होता है, हमारा मानव पाचन तंत्र का डेवलपमेंट होता है। चलिए आते हैं अब पेनक्रियाज के डेवलपमेंट पे। जैसा कि हमें पता है, पेनक्रियाज का डेवलपमेंट कहाँ से किससे होता है? मेनली दो वध से होता है, डॉर्सल वध, वेंट्रल वध। चलिए देखते हैं ये डॉर्सल वध और वेंट्रल वध होता क्या है। तो हम इस पिक्चर को फोकस करते हैं। कौन सा पिक्चर? ये पिक्चर। ये पिक्चर में जाने से पहले हम ये जो सी शेप लूप है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये सी शेप लूप ही हमारा दियोदनम है, जो मेनली कहाँ पर बनता है, तो फॉरगत और मीदगत के जंक्शन पे बनता है। और यहाँ पर ही क्या होता है, पेनक्रियाज का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये सी शेप लूप के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, पहले बेसिक को पढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है ये क्या है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। कैसे पता चलेगा कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है? तो जब हमारे बॉडी का सजाइटल सेक्शन लेंगे तो हम ऐसा पिक्चर दिखेगा। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में क्या होता है, मेनली अम्बिलिकस होता है। ठीक है, तो ये हो गया एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। और इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो ये हमारा सी शेप लूप है इसमें देखिए दो बद दिखाई दे रहे हैं। जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की तरफ बद है उसको क्या कहेंगे, वेंट्रल वद कहेंगे। और जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की तरफ बद है उसको कहेंगे डॉर्सल वद। जो हमारा वेंट्रल वद है वहाँ से क्या हुआ है, बिलियली डक्ट का डेवलपमेंट हुआ है, प्रिमिटी बिलियली डक्ट का। ये और क्या है, इसके जो सिफेलिक है मतलब सर के तरफ क्या हुआ है, डॉर्सल वद का डेवलपमेंट हुआ है। ये मेनली क्या था, हमारा बेसिक। सबसे पहले एक बार रिविजन कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि फॉरगत और मीदगत है वो क्या का फॉर्मेशन कर रहा था, सी शेप का फॉर्मेशन कर रहा था। तो सी शेप मेनली कैसा था, तो इस तरह का सी शेप का फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, जो ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में था, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कैसे पता चला था, एम्बिलिकस से। उधर क्या भर रहा था, उधर भर रहा था वेंट्रल वॉल। इसके सिफेलिक में पोस्टीरियर साइड में क्या भर रहा था, डॉर्सल वॉल। ठीक है, और क्या है, जो वेंट्रल वद है उससे क्या हुआ, एक प्रिमिटिव बिलियरी डक्ट निकला है। यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होता है, ये जो सी शेप लूप है, ये जो सी शेप लूप है इसका क्या होता है, 90 डिग्री रोटेशन हो जाता है। तब ये कैसा बन जाएगा, तो इसका शेप हो जाएगा इस टाइप का। ठीक है, जो मेनली हम देखते हैं डेवलपमेंट के बाद इस टाइप का हो जाएगा। तो अब वेंट्रल वद किधर आ जाएगा, तो वेंट्रल वद आ जाएगा राइट साइड में। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो वेंट्रल वद आ जाएगा राइट साइड में। ठीक है, और जो हमारा क्या है, डॉर्सल वद है वो चला जाएगा लेफ्ट वद में। तो अब हमारा ये कह सकते हैं कि जो सी शेप का रोटेशन हुआ वो 90 डिग्री हुआ। ठीक है, तो अगर सी शेप का रोटेशन 90 डिग्री हुआ तो जो हमारा वेंट्रल वद है ये भी 90 डिग्री रोटेट किया, और जो हमारा डॉर्सल वद है ये भी 90 डिग्री रोटेट किया। अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि पेनक्रियाज के डेवलपमेंट में जो डॉर्सल वद है उसका कितना रोटेशन होता है, 90 डिग्री, वेंट्रल वद का इसका बाद में देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ये हमारा जो वेंट्रल वद है ये बाइलोब में होता है। ठीक है, ये दो बाद में ये क्या होता है, फ्यूज कर जाता है और क्या बन जाता है, सिंगल लोब। लेकिन इसमें भी एबनॉर्मिटी जाती है। ठीक है, ये एबनॉर्मिटी के बारे में, त्रुटियों के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी तो फ्यूज कर गया। अब फ्यूज करने के बाद इसका क्या काम है, तो इसको डॉर्सल वद से आके मिलने का काम है। तो डॉर्सल वद से आके मिलेगा कैसे, तो ये क्या करेगा, 180 डिग्री का रोटेशन करेगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि डॉर्सल का कितना हुआ था रोटेशन, तो 90 डिग्री किसके साथ, तो जब सी शेप क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था तब। और वेंट्रल का कितना हुआ, तो 270 डिग्री। कब, 90 डिग्री जब सी शेप के साथ वो रोटेट कर रहा था तब, और
वह नेती डिग्री उसको क्यों चाहिए, तो वो दियोद्रम से जा सॉरी दौसर पात से मिलने के लिए चाहिए, वो उसके साथ जब फ्यूज करेगा ना उसके साथ चाहिए। ठीक है, तो अब पहले पैनक्रियाज का हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पैनक्रियाज मेनली फ्यूज करके इस स्ट्रक्चर का बनता है। ठीक है, तो जो मेजर पोर्शन है ये जो यूनिसेट प्रोसेस को छोड़ के, ये क्या है, यूनिसेट प्रोसेस है, ये मेनली कौन फॉर्मेशन करता है, वेंट्रल वॉल। और जो मेजर पोर्शन है वो कौन सा फॉर्मेशन करता है, तो डॉर्सल वॉल। तो कह सकते हैं डॉर्सल वॉल क्या है, मेन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज का फॉर्मेशन करता है, और जो वेंट्रल वॉल है सिर्फ यूनिसेट प्रोसेस को फॉर्मेशन करता है। तब इसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसका मेनली चार पार्ट होता है। जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको तेल कहते हैं, बीच वाले को बॉडी कहते हैं, और यहाँ पर हेड होता है। हेड और बॉडी के बीच में क्या होता है, नेक होता है, वो बहुत छोटा सा पोर्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पर वेंट्रल वॉल होता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इसके डक्ट फॉर्मेशन में। तो जैसा कि हम जानते हैं डॉर्सल और वेंट्रल वॉल का क्या होता है, अपना डक्ट होता है। ठीक है, तो वो दोनों क्या करता है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने का ट्राई करता है। देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन करने का ट्राई किया है, इसी को कहते हैं ओब्लिक कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं इसको, ओब्लिक कम्युनिकेशन। अब कैसे हमारा मेजर और माइनर पैनक्रियाटिक डक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो पहले मेजर और माइनर पैनक्रियाटिक डक्ट होता क्या है। तो मेजर जो पैनक्रियाटिक डक्ट होता है उसको कहते हैं डक्ट ऑफ विर्सम, जो माइनर पैनक्रियाटिक डक्ट होता है उसको कहते हैं डक्ट ऑफ सर्तोरिनी। ठीक है, तो जो मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट है जिसको डक्ट ऑफ विर्सम कहते हैं, वो मेनली तीन सोर्स डेराइव होता है। पहले सोर्स से जानते हैं फिर पिक्चर से जानेंगे। पहला डिजिटल पोर्शन ऑफ डॉर्सल पैनक्रियाटिक डक्ट, फिर ऑब्लिक कम्युनिकेशन, और प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, अब इसका पिक्चर से देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसा कि ये क्या था, पैनक्रियाज था। ठीक था, ये क्या था, डॉर्सल पैनक्रियाटिक डक्ट था। ये क्या था, वेंट्रल पैनक्रियाटिक डक्ट था। और दोनों को क्या किया था, कम्युनिकेशन किया था, उसको कहते थे ऑब्लिक कम्युनिकेशन। तो जो हमारा मेजर पोर्शन है वो कैसे बनेगा, तो मेनली डिजिटल पोर्शन ऑफ किसका, डॉर्सल पैनक्रियाटिक डक्ट पहला सोर्स, दूसरा सोर्स क्या है, ऑब्लिक कम्युनिकेशन, और तीसरा सोर्स क्या है, वेंट्रल पैनक्रियाटिक डक्ट। वेंट्रल पैनक्रियाटिक डक्ट का कौन सा, तो प्रॉक्सिमल पाथ। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जो वेंट्रल पैनक्रियाटिक डक्ट है एलोंग विथ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ बाइल डक्ट, जो वहाँ पर क्या था, सॉरी यहाँ पर क्या था, वेंट्रल पैनक्रियाटिक डक्ट भी मिल रहा था ना, तो यहाँ पर क्या होता है, बाइल डक्ट भी होता है। तो इसके साथ भी क्या करता है, वो मेली मेजर डुओडेनम पैपिली बनाता है। तो ये मेजर डुओडेनम पैपिली होता कहाँ पे है, तो ये जब हम क्या देखेंगे, सी शेप का डुओडेनम देखेंगे तो उसके सेकेंड पार्ट में होता है। तो अब एक बार अच्छा से समझ लेते हैं, जो मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट है वो मेली तीन सोर्स से बना हुआ है, डिजिटल पोर्शन ऑफ डॉर्सल पैनक्रियाटिक डक्ट, ऑब्लिक कम्युनिकेशन, और प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द वेंट्रल पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, ये जो वेंट्रल पैनक्रियाटिक डक्ट है वो, और उसके साथ क्या क्या है, स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रिमिटिव बाइल डक्ट, और फिर ये दो सब ओपन कहाँ पे होगा, तो ओपन होगा मेजर डुओडेनम पैपिली में, जो मेनली सेकेंड पार्ट ऑफ कहाँ होता है, डुओडेनम होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं माइनर पैनक्रियाटिक डक्ट। तो माइनर पैनक्रियाटिक डक्ट को एसेसरी डक्ट भी कहते हैं, रुधिरमित्री डक्ट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि कभी कभी ये पाया भी जाता है और कभी कभी रिग्रेस भी हो जाता है। ठीक है, ये लेकिन ओपन कहाँ होता है, तो ये ओपन होता है माइनर पैनक्रियाटिक, सॉरी माइनर डुओडेनम पैपिली में। ठीक है, तो इसका पिक्चर आप देखना चाहेंगे कि ये होता कहाँ पर होगा, तो ये जैसे कि हम ये क्या देखें, ये पैनक्रियाज था, ये क्या था, डॉर्सल पैनक्रियाटिक डक्ट, ये वेंट्रल पैनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों का जो कम्युनिकेशन किया उसको कहते हैं ऑब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जो हमारा मेजर बढ़ रहा था वो इस तरह से बढ़ रहा था, क्या क्या, तो ये तीनों सोर्स, लेकिन जो हमारा माइनर है वो सिर्फ यहाँ पर बनेगा, मतलब प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ किसका, तो ये डॉर्सल पैनक्रियाटिक डक्ट का, और ये ओपन कहाँ होगा, तो माइनर डुओडेनम पैपिली में। यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो ये मेजर डक्ट है वो क्या करता है ना, छोटे छोटे स्मॉल डक्टलेस ट्यूब्यूल को और एक्किनी को क्या करता है, राइज करता है। कैसे, तो ये पिक्चर से बता रही हूँ। ठीक है, जैसे कि क्या है, ये मेजर क्या है, मेजर डक्ट है। ठीक है, तो ये मेजर डक्ट क्या करेगा, अपने ऊपर नीचे क्या करेगा, छोटा छोटा टिब्यूल्स या एक्किनी सेल को क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, ये एक्किनी सेल
क्या करता है, अलग हो जाता है और क्या करता है, एक क्लस्टर बनाता है। इसी क्लस्टर को कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहंस। और इसका फॉर्मेशन मेनली कब होता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है थर्ड मंथ में, ठीक है, जब इंट्रा यूट्राइन पीरियड के थर्ड मंथ में। अब कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, डेवलपमेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो जैसा आपको याद होगा मैंने बताया था कि क्या था, जो ये वेंट्रल डक्ट था ये बाइलोब्ड होता है, स्ट्रक्चर का होता है, और बाद में ये क्या करता है, फ्यूज करके सिंगल स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन यहीं पे क्या हो जाती है, एबनॉर्मिटीज, वो सिंगल स्ट्रक्चर ना बनके बाइलोब स्ट्रक्चर ही रह जाता है। अब बाइलोब स्ट्रक्चर होगा तो वो क्या होगा, उसके कारण क्या होगी, एबनॉर्मिटीज आएगी। तो उस एबनॉर्मिटीज को क्या कहते हैं, उस त्रुटि को क्या कहते हैं, एनुलर पैनक्रियाज। अब ये एनुलर पैनक्रियाज होता क्या है, तो जो वेंट्रो पैनक्रियाटिक वर्ड है जो डेराइव होता है बाइलोब मास से, ये क्या करता है, सेपरेट नहीं होता है, और इसके बाद ये सेपरेट नहीं होगा तो क्या होगा, ये इनसर्किल हो कर देगा। जैसे कि मान लीजिए कि क्या है, ये हमारा डुओडेनम है, ठीक है, ये यहाँ पर ये हमारा बाइलोब द स्ट्रक्चर है, ये फ्यूज नहीं हुआ। अब क्या करेगा, ये इनसर्किल कर देगा, क्या करेगा, डुओडेनम के चारों तरफ। तो कैसे करेगा, तो एक जो बद है वो क्या करेगा, वो डॉर्सल के पास पहुंचने का ट्राई करेगा, तो वो इनसर्किल करेगा एंटीरियर एस्पेक्ट से, ठीक है, और जो दूसरा बद है वो भी डॉर्सल तक पहुंचना चाहेगा, तो वो कैसे करेगा इनसर्किल, पोस्टीरियर एस्पेक्ट से। मतलब ये डुओडेनम को क्या करेगा, पूरी तरह क्या कर देगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, उसके चारों तरफ ये क्या कर जाता है, एक सर्कल बना लेता है, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन होती है। मिली कौन सा पाथ में, तो सेकंड पाथ ऑफ डुओडेनम में, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एनुलर पैनक्रियाज, एनुलर मतलब रिंग होता है। अब एक समरी बता देती हूँ, समरी में क्या है कि पैनक्रियाज डेवलप होता है मेनली दो वद से, वेंट्रल और डॉर्सल वद, ठीक है, और इस बाद में क्या होता है, जो सी शेप स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, रोटेशन हो जाता है। तो जो डॉर्सल वद है वो 90 डिग्री रोटेशन करेगा और वेंट्रल वद 270 डिग्री रोटेशन करेगा। तो यहाँ पर हो गया पैनक्रियाज का डेवलपमेंट, डॉर्सल जो मेजर पोर्शन होता है एक्सेप्ट यूनिसेट प्रोसेस, और वेंट्रल क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ द हेड होता है और यूनिसेट प्रोसेस होता है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसका नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया